बहुत अच्छा लगा। अंधेरी के राजा काफ़ी सालों से मैं आ रहा हूँ और आज इतना जो मैंने देखा अंबे माँ का जो मंदिर भव्य तरीके से बनाया है और गणेश जी की जो मूर्ति देखे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। और पहली बार मैं तो काफ़ी साल से आ रहा लेकिन पहली बार मेरी पिक्चर की लीडिंग लेडीज़ कैलेंडर गर्ल्स की सब चारों आई है तो बहुत इन्हों भी देख के बहुत ही इनको बहुत इमोशनल हो गए इन लोग उल्टा देख कर इनको बड़ा अच्छा लगा। तो बस बापा के चरणों में आ गए हम। सर बॉलीवुड में रियलिस्टिक फिल्म बनाने वाले सबसे प्रबल कैरेक्टर हैं, मतलब आपने चांदनी बार बनाई, ट्रैफिक सिग्नल बनाई, कैलेंडर का ऐसा सब्जेक्ट क्या इंस्पायरिंग था जो आपने ये फिल्म बनाई? कैलेंडर गर्ल का ऐसा सब्जेक्ट था कि ये मेरे ख्याल से इस तरह की सब्जेक्ट कभी बनी नहीं अपने फिल्म में इंडस्ट्री में, किसी ने कोशिश नहीं की और मुझे लगा कि कैलेंडर गर्ल का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कैलेंडर गर्ल्स लड़कियां आती है बनती है उसके बाद चले कहाँ जाती है, किसी ने इसका सोचा नहीं है। तो मुझे लगा ये सब्जेक्ट ये इशू जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोगों को देखना चाहिए कि इस तरह का सब्जेक्ट हमने क्यों नहीं देखा आज तक। और जिस तरह की मैंने ग्लैमरस फिल्म बनाई मुझे लगा कैलेंडर गर्ल एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक कॉम्पैक्ट फिल्म इम्पैक्ट है और डेफिनेटली लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक मैसेज रहेगा। आज कहा जाता है कि यहाँ पर आप आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्या क्या मन्नतें किसी भी तरीके का कोई मन्नत मांगे? देखिए मैं हमेशा विवाकी से मैंने कहा, मैं डेफिनेटली ये कहा कि पापा से और जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको सफलता दे और सुदबुद्धि हमेशा बरकरार रहे और पिक्चर का जो है सफलता डेफिनेटली हम सबको चाहूँगे क्योंकि पांचों लड़कियों ने काफ़ी मेहनत की इस पिक्चर में, पहली डेब्यू कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि पापा इनको आशीर्वाद दें। मधुर जी एक छोटा सा सवाल ये है, इससे लीक से हटकर कि अब बॉलीवुड में ही बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के मामले चल रहे हैं जिसमें आप डायरेक्टर हैं, कई बार ऐसा सफ़र होता है कि उनके ऊपर अगर केसेस हो या कोई चीज़ें हो तो क्या मतलब पापा से या आप खुद भी इस तरीके क्यों करेंगे ताकि ये कंट्रोवर्सी से चीज़ों को निकले? देखिए क्या होता है अप्स एंड डाउन इंसान के हर व्यक्ति के इसमें होता है, ज़रूरी नहीं होता बॉलीवुड में होता है, वो राजकरण में भी होता है, वो कहीं भी फील्ड में हो सकता है, आम इंसान के साथ भी होता है। और मेरे ख्याल से यही होता है कि हमेशा जो होता है हम जो हिंदुस्तानी बड़े इमोशनल होते हैं, हमेशा भगवान को मानते हैं, चाहे हम दरगाह जाए चाहे चर्च जाए मंदिर जाए, हमेशा हमारी जो भावना होती है वो एक ऐसे चीज़ से होती है जहाँ हम लोग को लगता है शक्ति दे ऊर्जा दे। और हमेशा यही चाहूँगा कि जितने हम लोग की कोशिश होती है कि भगवान के चरण में आके हमेशा हमें ऊर्जा और शक्ति दे। थैंक यू। और कुछ? ओके थैंक यू। गोविंद आड़े आड़े।